हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप में इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। मतलब जो है आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है मैसेज का टाइमिंग है जो है यस्टरडे या फिर एक दो दिन पहले का दिखाया जाता है और आप जो है जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन बार को स्लाइड करते हैं तो दिखाई देता है चेकिंग फॉर न्यू मैसेज इस तरह का आता है और न्यू मैसेज शो नहीं होते, चेकिंग फॉर न्यू मैसेज देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो चेकिंग फॉर न्यू मैसेज की अगर प्रॉब्लम आ रही है और व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम या तो इसलिए आती है कि आपके जो है इंटरनेट सही से वर्क नहीं कर रहा होता है, इस टाइम पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपको एयरप्लेन मोड को ऑन करना है, कुछ टाइम ऑन रखना है, अगेन ऑफ करना है, इसके बाद आपके जब नेटवर्क आ जाएंगे उसके बाद जब इंटरनेट चलने लग जाएगा उसके बाद देखना है। अगर फिर भी नहीं होती तो क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में जाना है, मोबाइल नेटवर्क में जाके एंड जिस भी सिम से इंटरनेट यूज करते हैं उसको क्या करना है, प्रीपेड नेटवर्क टाइप को 5G एक्सेस पॉइंट नेम को रीसेट करिए एंड इतना करने के बाद क्या करना है, इस सिम को एक बार कर दीजिए यहाँ से इनेबल से डिसेबल और अगेन इनेबल कर लीजिए। जब नेटवर्क आएंगे इसके बाद चेक करना है। अगर फिर भी नहीं होती तो फिर आपको क्या करना है, एक बार व्हाट्सएप में जाके और आप अपने ही किसी के फ्रेंड के पास मैसेज करके चेक करिए कि मैसेज सेंड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मैसेज सेंड हो रहा है फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो फिर क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में जाना है, ऐप्स में जाना है, ऐप मैनेजमेंट और यहाँ पर आप सर्च करिए व्हाट्सएप को सर्च करके स्टोरेज इसको क्लियर करें जो इसका मैनेज स्पेस कर दिए। लेकिन मैनेज स्पेस करने से पहले एक बात और कि आप अपने चैट का जो है बैकअप ले लें ताकि आपकी चैट डिलीट ना हो और फोर्स स्टॉप कर लीजिए। और इतना करने के बाद अब आपको जो है क्या करना है कि वो पॉपअप जो आ रहा था वो हट जाएगा एंड अभी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके और व्हाट्सएप को सर्च करिए और उसका अपडेट आ रहा होगा तो आप उसको अपडेट कर लीजिए एंड अपडेट करने के बाद जब पासवर्ड डालेंगे मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन करेंगे, ओटीपी डालेंगे और उसके बाद जो है रिस्टोर कर लेंगे चैट। रिस्टोर होने के बाद आपकी चैट आ जाएगी और आपको जो है न्यू मैसेज होने लग जाएंगे और ये वेटिंग फॉर न्यू मैसेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।